एक कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत का प्रकृति और इसमें मौजूद विभिन्न प्राणियों से नजदीकी संबंध रहा है। ये नजदीकी संबंध हमारे दैनिक जीवन में उनका योगदान और एक आध्यात्मिक गुरु का स्वरूप, ये सभी बातें मिलकर एक रहस्यमयी सह अस्तित्व का निर्माण करती हैं। वे लोक कथाओं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी दोनों में एक साथ मौजूद हैं। इतिहास, प्रकृति और मानवता का ऐसा संगम बहुत कम ही देखने को मिलता है। जल में हजारों प्रकार के जीव रहते हैं, छोटी सी सीप से लेकर विशालकाय शार्क या वेल तक। इनमें से भारतीय पौराणिक कथाओं में एक जल जीव जो प्रमुखता से नजर आता है वो है मत्स्य यानी मछली, जिसे विष्णु के 10 अवतारों में से पहला अवतार माना जाता है। क्या तुम्हें पता है कि मत्स्य ने पृथ्वी पर कैसे और क्यों अवतार लिया था? हाँ बिल्कुल, मत्स्य के पृथ्वी पर अवतार लेने का किस्सा बेहद दिलचस्प है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग होते हैं और हर युग के अंत में ब्रह्मा सोने चले जाते हैं, क्योंकि हमारा एक युग उनके एक दिन के बराबर होता है। इस दौरान दुनिया में कोई रचना नहीं होती और ब्रह्मांड का अंत हो जाता है। तो सतयुग काल की पृथ्वी एक तेज बाढ़ में खत्म होने वाली थी। युग का अंत करीब था, इसलिए ब्रह्मा सो गए। लेकिन इसी बीच हेग्रीव नाम का राक्षस ब्रह्मा से वेदों का सारा ज्ञान चुराकर समुद्र में छिप गया। विष्णु को इस बात की फिक्र होने लगी कि वेदों को अगले युग में कैसे ले जाएंगे, पर उनके पास हर समस्या का समाधान था, क्योंकि वो तो रक्षक देव हैं। और इस समाधान के लिए उन्होंने मदद ली मनु नाम के एक विष्णु भक्त राजा से। वो मनु जिसने विष्णु के साक्षात दर्शन के लिए हजारों साल कठिन तप किया था। एक सुबह वो प्रार्थना के लिए जब नदी किनारे हाथों में जल लेकर विष्णु को अर्पित कर रहे थे कि तभी उनके हाथों से आवाज आई, हे राजन, मुझे वापस नदी में मत डालो। मनु के हाथों में एक छोटी सी मछली नदी की बड़ी मछलियों से खुद को बचाने की प्रार्थना कर रही थी। मदद मांगने वाले की रक्षा करना हर राजा का कर्तव्य था, इसलिए मनु ने मछली को अपने कमंडल में डाल दिया। कुछ देर बाद जब मनु ने देखा कि मछली का आकार बड़ा हो गया है, तो उन्होंने उसे बड़े बर्तन में रखा, लेकिन मछली फिर से बर्तन जितने आकार की हो गई थी। ऐसा जब कई बार हुआ तो मनु ने आखिर उसे समुद्र में डाल दिया, लेकिन वहां भी वही अंजाम हुआ। तुम्हें पता है वो चमत्कारी मछली कौन थी? हाँ, वो मछली और कोई नहीं, मत्स्य अवतार लिए हुए स्वयं विष्णु थे। मनु भी समझ गए कि ऐसे चमत्कार विष्णु के अलावा और कोई नहीं कर सकता। विष्णु के दर्शन की उनकी इच्छा पूरी हो चुकी थी। तब विष्णु ने मनु को बताया कि 7 दिनों बाद एक भयानक बाढ़ में पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट होने से इस युग का अंत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मनु से एक बड़ा जहाज बनाने के लिए कहा और आदेश दिया कि सभी वनस्पतियों के बीच सभी प्राणियों, सप्तऋषि और उनके परिवारों को और साथ ही वासुकी नाग को उसमें बिठाया जाए। मत्स्य रूप में विष्णु का आधा काम हो चुका था, अब बचा दूसरा महत्वपूर्ण काम। और ये दूसरा महत्वपूर्ण काम था हयग्रीव राक्षस के कब्जे से वेदों को निकालना। मत्स्य ने हयग्रीव के साथ युद्ध किया और उसे मारकर उसमें समाये वेदों को फिर से ब्रह्मा के पास पहुंचा दिया। उधर मनु अपने जहाज और सभी मुसाफिरों के साथ तैयार थे। तेज वर्षा में सब कुछ खत्म होने लगा कि तभी मत्स्य अवतार ने आकर वासुकी नाग का एक सिरा जहाज पर और दूसरा सिरा अपने शरीर पर बने सींग से बांध दिया और जहाज को खींचकर आगे ले जाने लगा। इस तरह से मत्स्य ने उफनते समुद्र में भी जहाज को सुरक्षित रखा। यात्रा के दौरान मत्स्य ने मनु और अन्य सभी को वेदों का ज्ञान दिया और अंत में हिमवन पर्वत पर जहाज को छोड़ दिया, जहां से एक नए युग की शुरुआत हुई। वैसे जितनी दिलचस्प विष्णु के मत्स्य अवतार लेने की कहानी है, उतना ही दिलचस्प है पुराणों में वर्णित उनका स्वरूप। वाकई चित्रों और मूर्तियों में मत्स्य अवतार का निचला हिस्सा मछली का और ऊपरी हिस्सा मनुष्य का दिखाया जाता है। सिर पर विष्णु जैसा ही मुकुट होता है। उसके 4 हाथों में से 2 हाथों में सुदर्शन चक्र और शंख होता है। तीसरा हाथ वरदान देने वाली वरद मुद्रा में होता है।
और चौथा हाथ रक्षा करने वाली अभय मुद्रा में, एक और अन्य स्वरूप में उसके हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल भी दिखाए जाते हैं। कई बार मत्स्य को शंखासुर नाम के राक्षस से मुकाबला करते हुए भी दिखाया जाता है। और ये मत्स्य अवतार पूजनीय भी हैं, क्योंकि गिने चुने ही सही भारत में मत्स्य अवतार के कुछ मंदिर हैं, जिनमें प्रमुख हैं बेट द्वारका का शंखोदर मंदिर और नागलपुरम का वेद नारायण मंदिर। मत्स्य अवतार को भगवान मीनेश के रूप में भी पूजा जाता है। मछली को मीन भी कहा जाता है और इसी पर आधारित है राजस्थान और मध्य प्रदेश की मीणा जनजाति का नाम। ये लोग भगवान मीनेश की पूजा करते हैं और स्वयं को उनका वंशज मानते हैं। इन्हीं भगवान मीनेश के प्रमुख मंदिर पुष्कर में और सवाई माधोपुर जिले में मौजूद हैं। वैसे कई लोगों का मानना है कि मत्स्य अवतार की कहानी दरअसल प्रतीकात्मक है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मत्स्य पृथ्वी पर विकास के पहले चरण का प्रतीक है, क्योंकि जल के जीव ही पृथ्वी के प्रथम जीवों में से एक है। दूसरी ओर आध्यात्मिक स्तर पर ये पूरी कथा ही प्रतीकात्मक है, जिसमें हिमालय, पृथ्वी लोक और मोक्ष के बीच की सीमा है। मत्स्य के रूप में भगवान हमें मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं और मनु का जहाज हमें इस संसार के उस पार यानी मोक्ष में पहुंचाता है। प्राचीन काल से ही भारत में पशु पक्षियों की इतनी अहमियत रही है कि हमने उन्हें न सिर्फ दिल से चाहा बल्कि पूजनीय भी बना दिया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम एपिक।